तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। सारा ही माल जीत गया। अरे बेटे, इस मेले में मैं ही ससुराल अकेला तो नहीं हूँ, और भी तो दुकानदार हैं। जरा वहाँ जाकर चक्कर लगा ले। पहले मैं तुम्हारा सारा माल तो जीत लूं। बस डर गए। अरे अजीत, पिताजी और मुन्ना कहाँ हैं? मैंने सूजी की मूर्ति गुदवाई थी तो मुन्ना भी रोने लगा कि वो भी गुदवाएगा, पिताजी उसके साथ है। ओ पिताजी, मैं गजरा खरीद लूं? आज दिवाली का त्योहार है, जो चाहे सो खरीद ले। अब भी आई हाय, वाह क्या बात है। लगता है अंथनी मान सरोवर छोड़कर यहाँ चली आई। सरकार, ये तो अपने गांव के मास्टर की लड़की है। जमा दे मामला नंदन। रवि लो सरकार। अरे बस कर, नहीं तो शीशा टूट जाएगा। अरे नंदन भैया, तुम शहर से कब आए? बस तेरी याद खींच लाई। मेरी याद? हाँ, जरा चल कुछ बातें करनी। चलो पिताजी के पास चल के बातें करते। नहीं, मास्टर जी के सामने नहीं, अकेले में बातचीत करनी है, चलो मेरे साथ। ऐसी कौन सी बात है जो हम पिताजी के सामने नहीं कर सकते? तो चल तो सही लक्ष्मी, आजा। ए लक्ष्मी, अरे तेरे तो भाग ही खुल गए, तू नाम की नहीं साक्षात लक्ष्मी है। ए, अब तेरे हाथों में कांचों की चूड़ियां ठीक दिखाई नहीं देती, हीरे का कंगन पहनना चाहिए। उधर देख, वो देख। ये बदमाश कौन है? अरे ये बदमाश नहीं, करोड़पति आदमी है। हाँ, हजारों लड़कियां इस पे मरती है, पर ये तुझ पे लट्टू हो गया। देख, तू इसे अपनी बाहों में छुपा ले, ये तुझे नोटों के ढेरों में छुपा देगा। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैं कोई आवारा लड़की नहीं, समझे? पिताजी से कहकर तेरा मुंह तोड़वा दूंगी। कल की लौंडिया और जबान चलाती है, अगर सीधी तरह से नहीं मानेगी ना तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। कुत्ते कमीने। प्यार का पैगाम देने वाले को मेरी जान, ऐसा जवाब नहीं देते। मेरा जवाब ये है। लक्ष्मी, आज तूने मुझ पर थूका है, कल दुनिया तुझ पर थूकेगी। मेरा नाम संग्राम सिंह है। कौन थे ये लोग बेटी? नंदन कुछ पागल कुत्तों को लेकर आया था, मैंने उनका इलाज कर दिया। ओ, समझ गया, तो उस कमीने की ये हिम्मत। कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर ठीक कर दूंगा। तू अपना मन खट्टा मत कर, आज दिवाली है, जी भर का खुशियां मना। प्यार का बंधन खून का रिश्ता छूटे से ना छूटे, दिल से दिल की डोर बंधी जो, दिल से दिल की डोर बंधी।
प्यार का बंधन खून का रिश्ता झूठे से ना झूठे दिल से दिल की डोर बंधी जो टूटे से जगमग आए दिवाली लक्ष्मी धन बरसाए हो लक्ष्मी धन बरसाए रंग बिरंगे धागे लेकर राखी का दिन आए हो राखी का दिन आए इन धागों का रंग हो दिल की डोर बंधी जो टूटे से ने मेले में इतनी देर लगा दी कि रास्ते में ही रात हो गई चलो जल्दी चलो पिताजी यही है वो बदमाश अभी पता चल जाएगा हम कितने शरीफ हैं मुंह को लगाम दे कुत्ते अगर किसी ने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं उसको खून पी जाऊंगा खून पिएगा किसका खुद का या हमारा मुन्ना पिताजी अरे कहां जाते हैं अभी बताता हूं शैतान छोड़ दो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मुझ पर रहम करो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझ पर रहम करो मुझे माफ कर दो
ये भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देते? सरकार, लाशें गायब करवा दो, चलो। पिताजी, दीदी, दीदी, अजीत, अजीत मेरे भैया, आज तू छोटा है, इसलिए बहन की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन कल तो बड़ा हो जाएगा, अपनी बहन की बर्बादी का बदला जरूर लेना, जरूर लेना। दीदी, रानी जो करे पत्ता तो उठाओ। अरे भाई उठाओ, शतरंज तो नहीं खेल रहे? उठाता हूँ भाई, उठाता हूँ। लो देख लिया। अरे नंदन, खाने का भी इंतजाम किया है या यूं ही भूखा मारेगा? सरकार, खाना डाक बंगले में तैयार रखा है, अभी लेकर आता हूँ। ठहर जा। कौन है वे? तेरी मौत क्या मांगता है? इसी खंजर से तूने मेरे बाप को मारा था, इसी खंजर से मेरी बहन ने खुदकुशी करी थी, और इसी खंजर से मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तू कैसे बच गया? अभी खबर लेता हूं तेरी। शेरू कालू, पकड़ो आरामजादे को, बचकर जाने न पाए। अरे लालू कालू, समझ जाओ,
देने वाला जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है और तुमको मटका फोड़ के दे दिया। चलो जल्दी से उठाओ बच्चे को, मगर ठहरो, तरीके से काम करो। 3 दफा आवाज लगाओ, जवाब नहीं आता है तो बच्चा अपना। आवाज जरा धीरे से देना। बिल्कुल ठीक। इसका कोई माँ बाप है? इसका कोई माँ बाप है? इसका कोई माँ बाप है? कानूनी कार्रवाई पूरी। उठा बच्चे को, निकल चलो चलो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कैराती लाल। एंटी ब्लडी फ्लैट, तुम अपन का रास्ता कैसे रोकता है? मैंने तुम्हारा नहीं, तुमने मेरा रास्ता रोका है। चल हट। मैंने इतना पार कर लिया है, तुम थोड़ा पीछे हटो। एंटी ब्लडी फ्लैट पीछे हटता है कि मैं तेरे का एंटी फ्लैट कर दूं? अपन दारा सिंह के माफिक कभी पीछे नहीं हटता। पीछे हटना तो मैंने भी नहीं सीखा। मुर्गे की माफिक अकड़ता है। ना तुम लड़ते, ना ये सब होता। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं छोड़ाऊँ। घर? अरे अपन तो साला फुटपाथ छापे। मैं समझा नहीं। अपन लोग के सर पर आसमान और नीचे साली जमीन, उसी पे एंटी फ्लैट हो जाता है। अरे मेरा ताबीज। वो रहा। जब से होश संभाला ये मेरे गले में, जरूर माँ ने बांधा होगा। खैर जाने दो, तेरा नाम क्या है? अजीत। अपन को लोग मान उस्ताद बोलता है, तेरा खोली किधर है? खोली? खोली क्या? अरे साला खोली बोलो तो खोली, मत बलिया के रहता है किधर? कोई ठिकाना नहीं, आज ही आया हूँ। फिर तो साला तू अपनी बिरादरी का है, फुटपाथ छाप। चल इसी खुशी में कुछ खाना पीना हो जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। साला भंकस काय को करता है, शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे 6 दिन से भूखा हो। चल मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? यहाँ अच्छे अच्छे को नौकरी नहीं मिलती तो तेरे को क्या मिलेगी? लेकिन तू फिक्र ना कर, अपन तेरे को 1 महीने में कैची मास्टर बना देगा। कैची मास्टर क्या? अरे सब तू आज पूछ लेगा, कुछ कल के लिए भी छोड़। धत साला, ये तो पूरा दुकान रेडियो ट्रांजिस्टर से भरे ला रहे। पर इसका सेट कौन है? अरे इसका सेट तू है, मैं हूँ। अगर इसका सेट मैं हूँ तो ये मेरे पास क्यों नहीं है? अरे नहीं है तो हो जाएगा। कैसे? साला, एंटी ब्लडी फ्लैट ये तो टूटा ही नहीं। आइडिया। आजकल पुलिस चोर और स्मगलरों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। खैरियत इसी में है कि यहाँ से जल्दी भाग चलो, नहीं तो ये माल भी अंदर और हम भी अंदर। समझ गए? हाँ जी। कौन है बे? छोटा भाई। रिश्तेदार कहाँ से बन गया? दोनों का धंधा एक है बड़े भाई। तुम बड़े चोर, मैं छोटा चोर। काफी तेज दिखते हो, आओ मेरे साथ। पुजारी जी, इधर कोई चोर तो नहीं आया? वो रहा। कहाँ? अरे यही तो है अपना माखन चोर।
मैं इस जमाने के चोर की बात कर रहा हूं महाराज। ये चोर तो हर युग का चोर है बेटा। चलो अपन दूसरी तरफ ढूंढते हैं। बाबा तुम्हारा बड़ा मेहरबानी। अच्छा अपन चलते हैं। नहीं बेटा, रात इतनी हो गई है, तुम थके हुए और भूखे लगते हो, भोजन तैयार है, खा के सो जाओ। अच्छा अबे ये क्या लेके भागा जा रहा है, ये तो मंदिर का सामान है। चल इधर चल पुजारी जी। ये लड़का मंदिर का सामान चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ा है। नहीं सिपाही जी, ये लड़का चोर नहीं है। अरे ये सब सामान तो मैंने इसे गुरुजी महाराज को देने के लिए दिया था। अरे ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। अरे ऐसा है तो बोला क्यों नहीं। अरे बच्चा है, आपको देखकर घबरा गया होगा। माफ करना, नमस्ते। बाबा तुम चोर को पहले पुलिस से बचा, हम इतना कमीना एंटी ब्लडी फ्लैट तुम्हारा चोरी किया, फिर भी तुम हमको बचा। बेटा बुरे से बुरे आदमी की आत्मा भी एक दिन जागती है और वो सारे बुरे कर्म छोड़ देता है। मैंने तो यही सीखा है, जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। आज इनकी कृपा से मैं तुम्हारे काम आ सका, कल शायद तुम किसी के काम आ जाओ। बाबा अपन साले को माफ कर दो, अब ऐसे धंधा कभी नहीं करेगा। अरे ये क्षमा तो उस दयालु से मांगो बेटा। भगवान, एक समय मैं चोर और आवारा था, लेकिन तुम्हारी दया के अपार सागर ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मोहन बेटा, जिस पर इनकी दया हो जाए वो कुछ भी हो सकता है। तुम स्वयं एक दिन क्या थे, लेकिन आज इनकी दया से चोर और आवारा लड़कों को सुधारने के लिए कितना अच्छा स्कूल चला रहे हो। बिगड़े लड़कों की बात हुई तो अजीत की याद आ गई, बचपन में क्या बिछड़े के हमेशा के लिए बिछड़ गए, पता नहीं वो कहां और किस हाल में होगा। ये पुलिस किसके पीछे पड़ी हुई है? ये सखी लुटेरा है, किसी चोर सेठ को लूटकर भागा होगा। We'll be right back.
साहब सेक्रेटरी से गायब हो गया, कहने से नहीं आता। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो पुलिस के हाथों में आने ही वाला है। बत्ती बुझा दो मुरली काका। हर साल दिवाली की रात लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है, मगर आपकी मुस्कुराती हुई जिंदगी में आंसुओं की बरसात लाती है। ऐसा क्यों? आज तक कभी मैंने आपसे पूछा तक नहीं, मगर आज रहा नहीं गया। मैं बहुत बदनसीब हूं मुरली काका, अपनी मरती ही बहन को दिया हुआ वचन भी पूरा नहीं कर सका। ऐसी ही दिवाली की रात थी, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की इज्जत लूटी गई और मैं कुछ ना कर सका। वो तीन थे, एक को तो मैं नरक पहुंचा चुका हूं, लेकिन दो कुत्ते अभी तक बाकी हैं। कहां है वो सुअर के बच्चे, मुझे बताइए, मैं उनके सर काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। उनका पता ठिकाना अगर मुझे मालूम होता तो क्या आज तक मैं उन्हें जिंदा छोड़ता? मुरली काका, उनकी शक्लें सिर्फ ख्वाब की तरह मुझे याद हैं, उनके जिस्म की निशानियां मुझे याद हैं। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो उन्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, बदले की आग में और अपने भाई की याद में। भाई? हाँ, वो नदी में गिर गया था। फिर तो शायद बेचारा डूब गया होगा। ऐसा मत कहो मुरली काका, मेरा दिल कहता है मेरा भाई जिंदा है, वो जरूर जिंदा है। भगवान करे कि वो जिंदा हो, मगर आप पहचानेंगे कैसे? उसके दाहिने बाजू पर भी ठीक ऐसा ही निशान है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर करने का निश्चय किया। क्या एक ही सांस में पूरा गिलास भर गया मैं? उन्होंने देश के सभी राज्यों में अपने दूत भेजे। अबे ये दारू किधर गई? कौन किधर गई बाबू? मैं पूछता हूँ दारू किधर गई? मैंने तो जाते हुए देखा नहीं। लगता है मुझे चढ़ गई, लेकिन चढ़ तो नहीं सकती है। तो बे, मुझे चढ़ गई है क्या? लगता तो नहीं बापू। तो फिर मुझे ये गिलास कभी खाली कभी भरा हुआ क्यों नजर आता है? देख, मैं फिर से गिलास भरता हूँ, तू गौर से देख। अच्छा, ये मैंने गिलास भरा, ये मैंने पानी डाला, ये मैंने लोटा रखा, अबे वो रखा। फिर ये दारू किधर गई? मैं लगता है तुमने सटक लिए बापू, तुमको चढ़ गई है। चढ़ गई है शंकर? ओ शंकर, तूने शराब पी? नहीं तो? नहीं के बच्चे, मुंह से तो बदबू आ रही है। वो तो बापू उंडेल रहे थे ना, तो मुंह पे छींटे पड़ गए, है ना बापू? चुप नालायक। सुनो जी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, बच्चे बड़ों की आदत सीख लेते हैं। खुद तो पक्के शराबी बन गए हो, अब इसे क्यों बिगाड़ रहे हो? अच्छी बात है, आज से इस घर में कोई शराब नहीं पिएगा। मैं कल ही तुझे मोहन बाबू के स्कूल ले जाऊंगी, वो ही तुझे सुधार सकते हैं। मोहन अली। हाजिर जनाब। बब्बन हैदराबादी। हो, तुमसे कितनी बार कहा है ये सर बोला करो। हो। टोनी, टोनी। अच्छा, राणा रहीम भी नहीं आए, शायद इन चारों ने ना सुधरने की कसम खाई, लेकिन मैं भी कसम खाता हूं कि इन चारों को सुधार कर लूंगा।
यही है वो चंडाल चौकड़ी जिसे मास्टर मोहन ने सुधारने की कसम खाई है। लेकिन मास्टर जी इन्हें सुधारेंगे या मास्टर जी को ये तो वक्त ही बताएगा। ये है महाशय टूनी। शहर में जितनी गटरें हैं उन्हीं में से किसी एक गटर के किनारे इन्होंने जन्म लिया था। इनकी माँ का नाम था रीटा और बाप का नाम, ये तो ऊपर वाला ही जाने। और ये है टोनी के यार फोनी। माँ बाप इनके जरूर हैं, पर माँ बाप इनके लिए मर चुके हैं और ये माँ बाप के लिए। और ये है राणा। जब चलते हैं तो खटमल जुए और चीलर की फौज को साथ लेकर चलते हैं। जब पैदा हुए थे तो शायद माँ ने नहलाया होगा और जब मरेंगे तो शायद म्यूनिसिपैलिटी वाले नहलाएंगे इन्हें। और ये है रहीम। लोगों का कहना है कि जब ये पैदा हुए थे तो गोरे थे लेकिन माँ बाप से मार खा खा कर काले हो गए हैं। माफ करना भैया, मैंने नहीं देखा। लॉटरी लग गई रे मिन्नी, लॉटरी लग गई मेरी लॉटरी मिन्नी, मिन्नी ढेर सारा माल हाथ लगा है, आज तो जश्न होना चाहिए। मांगता बिना दिल दाद के जश्न का है का? अरे अपनी अपनी दिलदार अपने साथ होंगी, जब तक हम इम्तिहान पास नहीं करेंगे वो हमारे पास नहीं आएंगी। अरे जब नाम लिखवाया है तो पढ़ लेंगे और जब पढ़ लेंगे तो पास भी हो जाएंगे। हम उनके पास जाएंगे और शाहिनशाही शान से जाएंगे, बड़े मान से जाएंगे। अरे सीना तान के जाएंगे, मुंह में लाल लाल पाल ले जाएंगे। सरदार हुस्न के खरीदार आ गए हैं। ये दिल जले ये मन जले, ये दिल जले ये मन जले, क्या लेने आए हैं क्या लेने आए हैं। एक दिल ही अपने पास है वो देने आए हैं, हाँ हाँ देने आए हैं ये तुमको देने आए हैं। मंडे से तो सैटरडे तक, मंडे से तो सैटरडे तक इनका हर दिन संडे, सबक पढ़े ना कोई स्कूल का, आज के ये मुश्डंडे आज के ये मुश्डंडे। अरे सबक पढ़ा है, सबक पढ़ा है जब से तेरे प्यार का, हाँ तेरे प्यार का, न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। अरे ऐसा लगा है चस्का दिलदार का, हाँ दिलदार का, न दुनिया की परवाह न होश है घर बार का। तुम चाबी हो, तुम चूली हो, तुम बॉबी हो, बस इतना है मुझको कहना, मेरे यारों की तुम भाभी हो, मेरे यारों की तुम भाभी हो। ओ मेरी बल्लो ओ चमक चलो, मेरी बल्लो ओ चमक चलो, ओ हल्लो हल्लो ओ चलो चलो, आया आया है मौसम प्यार का। सबक पड़ा है जब से तेरे प्यार का, हाँ तेरे प्यार का, न
ना दुनिया की परवाह ना होश है दरबार का। रेल ये तो खड़ी रहेगी अपनी रेल तो प्यार की रेल ये तो खड़ी रहेगी जब तक तुम ना दोगी सिग्नल यहीं पे अड़ी रहेगी। हाँ हाँ यहीं पे अड़ी रहेगी। बोलो मैं फिर हार गया। हमारे राजा साहब जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्यों जावेरिकर काम हुआ? जी हाँ हीरो ग्राहक मिल गया। मशहूर करोड़पति धर्मदासी। कितने में सौदा हुआ? आपने 2 करोड़ के लिए कहा था, मैंने 2.5 करोड़ में मामला तय किया है। मैं तो मुकर ही जावा। माल आप लाए हैं? मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। फिर ये सौदा कैसे फटेगा? जावेरिका का बीच के आदमी है, माल देख चुके हैं, कीमत तय हो चुकी है। कहाँ मिलना है मैं रात को फोन कर दूंगा। आप अकेले पैसे लेकर आ जाइए। अकेले? घबराइए नहीं, हम किसी पार्टी के साथ धोखा नहीं करते। धर्मदास जी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, राजा साहब के यहाँ बेईमानी नहीं होती। ठीक है तो फिर सौदा पक्का। बहुत दिनों से तलाश थी। किसकी? धर्मदास जी जैसे कदरदान की। मैं समझा नहीं। मैं समझाऊंगा आपको। ये सौदा तो कुछ भी नहीं, आपके और मेरे बीच इतना बड़ा लेन देन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सच? जी हाँ, आप तैयार होकर मेरे साथ चलिए। कसम से ऐसा जलवा आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। जलवा? किसका? ये मेरे और आपके बीच की बात है। यही सब कुछ बता दिया तो फिर मजा क्या रहा। ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। कहाँ ले चल रहे हैं राजा साहब? ऐसी जगह जहाँ हम दोनों की सेवा तीसरा कोई ना हो, और हो भी तो हसीन लड़कियां। लड़कियां? और इस वीराने में? आशी का मजा तो वीराने में ही आएगा। आदमी शौकीन नजर आते हो। लेकिन सरासरा आप जैसा रसिया नहीं। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? ये तो हमारी पहली मुलाकात है। पहली और शायद आखिरी भी। आखिरी? आप बहुत दूर जो जाने वाले हैं। ओह हाँ दुबई। वहां आओगे तो ऐश कराऊंगा। मगर इस जंगल में मंगल का इंतजाम कहाँ किया है?
क्यों, बहुत बेचैनी हो रही है? राजा साहब, हसीनों का जिक्र छिड़ जाए तो दिल मचल उठता। बेलापुर का नाम सुनकर भी दिल मचल उठता है? बेलापुर? हाँ, क्यों, उस गरीब मास्टर और उसकी बच्ची को भूल गए? उस नदी का किनारा भी याद नहीं रहा? ओ हाँ, याद आया, बड़ी अकड़ती थी। वो छुरा भी मेरे पास मौजूद है जिससे उस लड़की ने खुदकुशी की थी, और नंदन ने जिससे उसके बाप को मारा था। आपको वो छुरा कहां से मिला? कुत्ते के बच्चे, मैं उसी का भाई हूं जो बाद में गड्ढे में गिर गया था। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी और मेरे बाप को मारा था। तो तुम वही हो जिसने नंदन को मारा था? हाँ, मैं वही हूं, और आज तेरी बारी है कमीने। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। जब मेरी मासूम बहन ने तुमसे गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, उस वक्त तुमने उसे माफ कर दिया था? घबराओ मत, मैं तुझे बेबस करके नहीं मारूंगा। हम दोनों के दरमियान ये छुरा है। बराबर का मौका देता हूं, चल भाग। क्यों, डर गए? लो लो, मारो मारो। से पहले ये बताओ, उस सोने के दांत वाला आदमी कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो ठीक है, मरो तड़प तड़प कर। नहीं, रहम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर। मेरी गर्दन पर छुरा फेर दो, छुरा फेर दो मेरी गर्दन पर। रहीम, कोई नया मुर्गा आया? कर इसका स्वागत, कर स्वागत। ठीक है। स्कूल के चार दीवारी में आते ही पैर कांपने लगे तेरे, चलो कदम बढ़ा। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? जी शंकर। इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी वो म्यूनिसिपल स्कूल में। म्यूनिसिपल स्कूल? वो स्कूल क्यों छोड़ दिया? जी क्यों, जवाब देने में शर्म आती है। वहां बहुत मारापीटी करते थे तुम, लेकिन यहां ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम बहुत शरारती हो, पढ़ने लिखने से मुंह चुराते हो तुम। देखो, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं है कि सही क्या और गलत क्या।
पहले दिन ही शरारत, शर्म नहीं आती बदतमीज, क्लास में बदमाशी करता है। ये लो। थर्ड पीरियड के अंदर आई सॉ ब्यूटीफुल। अरे वो चूहे, अरे तेरी ये जरूरत, अभी तुम लोग ने मेरी जरूरत कहाँ देखी है लालो। गुरु, मेंढक के पर निकल आए हैं तो हम काट देंगे। पिचिक पिचिक ऐसे। अबे तू नहीं चाहता कि हम ऊपर आए? लो मैं नीचे आया। वेलकम वेलकम। सुबह मेरी माँ सामने थी इसलिए मैं चुप रहा। तूने मुझे टंगड़ी मारी थी ना, राजा साहब। राजा साहब, बड़े भाई का हाथ है, इसे छुड़ाना इतना आसान नहीं। तुम अकेले इन चारों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लगता है तुम्हारी रगों में किसी शेर मर्द का खून है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। कसूर मेरा नहीं, इनका है। कसूर किसी का भी हो, झगड़े से ताकत कम होती है। आपस में मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। चलो सब आपस में हाथ मिलाओ, चलो। इसी खुशी में ये लो 100 का नोट और जाकर जश्न मनाओ। राजा साहब जिंदाबाद। हाय, मैं मर जावा। ए लड़के। मैं? जी हाँ आप। हमसे उस्तादी, पर्स लाओ। कौन सा पर्स? जो पतलून में ठोंस रखा है। निकालते हो या आप? मैं मर जावा, देती हूँ देती हूँ। मान गए उस्ताद, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चोरी करते हुए पकड़ा है, वरना आज तक कई पर्स मारे हैं लेकिन मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। बातें कम करो और आओ मेरे साथ। कहाँ ले चलोगे? ससुराल। अभी मेरी शादी नहीं हुई है और तुम्हारा चांस लग सकता था, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ तुमसे हारी हूँ। लेकिन ये मुआ दिल पहले से सखी लुटेरे पर मर चुका है। सखी लुटेरा? लेकिन वो तो अच्छा आदमी नहीं है। वो तो ठीक है, चोरी तो चोरी होती है, चाहे किसी मतलब के लिए की जाए, लेकिन मैं उसे अपने प्यार से सुधार दूंगी। लेकिन वो इतना बड़ा चोर तुम जैसे छोटे चोर से शादी कैसे करेगा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ वो तुम समझ भी नहीं सकते हो कि मैं हूँ। क्या समझे नहीं समझे? ये ठीक कह रही भाई साहब, ये अच्छे घर की लड़की, मगर पर्स चुराने का इन्हें शौक है। हाँ, शौक के लिए पर्स चुराती हूँ और अगले रोज वापस भी कर देती हूँ। तो तुम नकली चोर हो? चोर नकली हूँ लेकिन आशिक असली हूँ। क्या समझे नहीं समझे? अच्छा मैं चलती हूँ, देखो अगर सखी लुटेरे का पता चला तो मुझे बता देना। बाय। ये मेरे आखिरी 20 रुपए दिए भाई, बहुमत है। ये हमारा 200 रुपया चौके पे थी, तुम्हारा 100 रुपये हो इक्के पर, मेरा 10 रुपया धक्के पर। अरे चला गया तो फिर आ जाएगा। चला। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम बोले बोलो नी भाई, आज हम नहीं तुम बोलेगा, आज खेल हमारे पास से होगा। बोलो किस किस नंबर पे लगाना है? हाँ?
बड़ी मजाक करता है क्या? मजाक सिर्फ लड़कियों से करता है, तुम जैसे खुशड़ों से नहीं। अयो इसके नंबर ही नहीं ना जी, सब सपा चट। ढलावनी सेठ तुम्हें नजर नहीं आते, घिस गए। मुझे सारा नंबर याद है, ये इक्का, ये दुआ, ये तिया, ये चौका, ये पंजा और ये छक्का। अयो तुम हमको बुद्धू समझते क्या जी? धोनी ये सेठ हमको बेईमान समझता है। सेठ तुमने हमारे यार की बेइज्जती की है। अयो अयो राम जल्दी से माफी मांग ले। हम तो अंकी से बराबर दिखता नहीं जी, इसलिए हम नंबर बराबर देख नहीं सका, हमको माफ कर दे जी। आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगाओ 5 रुपए पंजे पे हैं। सेठ हम छोटा खेल नहीं खेलता। जो जिसके पास है कपड़ा छोड़कर लगा दो, जो जीते वो ले जाए। क्यों सेठ? बिल्कुल बिल्कुल वाजबी बात है। बोलो सेठ हमारी तरफ से आप ही बोल दो। बड़ी क्या फर्क पड़ता है? नहीं सेठ आप खुद बोलिए, नहीं आएगा तो मुझे दोष देंगे। हमारा सब कुछ पंजे पे। आस्ते आस्ते मारो जी, लगातार जी, हमारा दुवे पे। हमारो पिए पर मेरा पिए पे छक्का। शुक्र है भगवान। देखो सर थोड़ी देखना क्या है, तुम गलत थोड़ा ही बोलेगा। अभी हम जाता हूँ, आपसे मिलके बड़ा खुश हुआ। ए राम भाया मेरा एक रिक्वेस्ट मानेंगे? बोलो सेठ। एक 10 रुपया दे दो, हम सब टैक्सी से चले जाएंगे। सेठ उधार का पैसा लेके टैक्सी में नहीं जाते, ये पकड़ो 1 रुपया और बस में जाओ। गाड़ी बड़ी मेहरबानी। होटल चटनी के फट गेट लॉस्ट बुढ़े, कल आओगे ना सेठ? अरे तो बड़े क्या हमको उल्लू का पटा समझ आया क्या? चोर बदमाश क्या बोला? बदमाश ऐसे नहीं ऐसे। कहाँ गया? वो नहीं। अरे 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 मैम साहब, आपका कुत्ता इस पुतले की लाली खा रहा है। सॉरी इट्स ऑल राइट। अरे बोलता भी है मैम, कहा गया? ये लो। अरे कुत्ता नहीं वो आदमी, कहा गया? मजा इच्छा तुझा नो।
बहारों के जमाने कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, और ये बुलबुल के तराने कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। हवा के मस्त झोंके चूम कर कलियों के मुखड़ों को, मोहब्बत के फसाने कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। क्योंकि जान अब जा रही है, नजर पसरा रही है, जान अब जा रही है, नजर पसरा रही है, कहीं से आ जाओ, कहीं से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मोहब्बत में तेरी कब से सनम बे जान बैठे हैं, मोहब्बत में तेरी कब से सनम बे जान बैठे हैं, दबा कर दिल में तेरे प्यार का तूफान बैठे हैं, आज तूफान बैठे हैं, आज तूफान बैठे हैं। नदाफत जान जाओ, समा पहचान जाओ, नजाकत जान जाओ, समा पहचान जाओ। हाँ तुम्हें कैसे समझाए, ये कैसे समझाए, समझाए समझाए, जो दुश्मन प्यार के हैं वो बने अनजान बैठे हैं, जो दुश्मन प्यार के हैं वो बने अनजान बैठे हैं, भरी महफिल में ऐसे भी कई मेहमान बैठे हैं, कई मेहमान बैठे हैं, जी हाँ मेहमान बैठे हैं। कदम उल्टा पड़ा तो पड़ा तो पड़ा तो हाँ, कदम उल्टा पड़ा तो प्यार की हस्ती मिटा देगी, हस्ती ही मिटा देगी, तरासी भूल बाहर से हमें अंदर बिठा देगी, हमें अंदर बिठा देगी, अभी तो रहने दो, अभी तो रहने दो, रहने दो, रहने दो, समझे, अभी तो चैन से चुपचाप ये तूफान बैठे हैं, अभी तो चैन से चुपचाप ये तूफान बैठे हैं, भरी महफिल में ऐसे भी कई मेहमान बैठे हैं, कई मेहमान बैठे हैं, जी हाँ मेहमान बैठे हैं। इरादा करके आए थे गले तुमको लगाएंगे, गले तुमको लगाएंगे, खबर किसको सिदालम राह में कांटे बिछाएंगे, कांटे भी बिछाएंगे, नहीं जब चैन पड़ता तो धड़क कर दिल ये कहता है, धड़क कर दिल ये कहता है, इरादा हो तो नामुमकिन मुमकिन होके रहता है, मुमकिन होके रहता है। सामने आंख के हैं हथकड़ियां, हा 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 हथकड़ियां, हो हो हथकड़ियां, इश्क वो इश्क क्या चढ़ जाए, हाँ क्या बिना मौत कोई मर जाए, क्या मोहब्बत से जान प्यारी है, इस इशारे में बात सारी है, साफ कह दो के आ नहीं सकते, साफ कह दो के आ नहीं सकते, हाँ लौट कर भी तो जा नहीं सकते, लौट कर भी तो जा नहीं सकते, बात क्या है ये आने जाने की, बात क्या है ये आने जाने की, हाय मजबूरियां
जमाने की, हाय मजबूरियां जमाने की। कोई उनसे ये कहते, कोई उनसे ये कहते, कहते 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 पर क्या कह दे, परेशान तुम उधर और हम इधर हैरान बैठे हैं। परेशान तुम उधर हो हम इधर हैरान बैठे हैं। बड़ी महफिल में से भी कई मेहमान बैठे हैं। कई मेहमान बैठे हैं, क्या मेहमान बैठे हैं। कई मेहमान बैठे हैं, क्या मेहमान बैठे हैं। कई मेहमान बैठे हैं, क्या मेहमान बैठे हैं। तुमने अच्छा गाना गाया, तुम जीत जाओगे। हम जीत गए। अच्छा गए 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 गए। अरे वाह, बड़े गुणी लड़के हैं, मगर हमारे लड़के कहाँ गए, किधर गए? खबर सगी लुटेरे का चैलेंज, आज की ताजा खबर सगी लुटेरे का चैलेंज, आज की ताजा खबर। अरे पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है सगी लुटेरे का चैलेंज। भैया आखिर सगी लुटेरा है कौन? अबे चटनी के, तेरा नाम लल्लू नहीं उल्लू होना चाहिए था। अबे सखी लुटेरा अपना राजा भैया अजीत ही तो है, वो सिर्फ बेईमान और दगाबाज अमीरों को लूट कर हम गरीबों में बांटता है। ये देखिए इस सखी लुटेरे के बच्चे ने क्या चैलेंज दिया है। कहता है कि सेठ करोड़ी मल के हीरे और जवाहरात लंदन नहीं पहुंच सकते, वो पहले ही लूट लेगा। सेक्रेटरी साहब आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, इस बार सखी लुटेरे के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। आप जाइए और चैन की नींद सोइए। चैन की नींद? जानकी दास तो चैन की नींद सो जाएगा, लेकिन आईजी साहब आप जागते रहना। बैंक से हीरे ले लिए हैं। यस सर। अब इस हीरों की बैग को एयरपोर्ट पर जाना तुम्हारा काम है। यस सर। Attention, please. This is the last and final call for Father Fernandez, passenger traveling by Air India flight. Samal kar, Father. To London. God bless you, son. God bless you. Father, आपका सामान कहाँ है? सामान? जब इंसान को अपने गुनाह का बोझ उठाकर चलना मुश्किल है, तो वो दूसरे बोझ कैसे उठा सकता है? कितनी बड़ी बात कही है आपने फादर। क्या बात है, इतनी पुलिस किस लिए आई है? कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या? नहीं फादर, जहाँ दुनिया में आप जैसे नेक और शरीफ इंसान हैं, वहाँ शैतान भी भरे हुए हैं। हम एक ऐसे शैतान की तलाश में आए हैं। गॉड आपको आपके मिशन में कामयाब करे। पर्सनल चेकिंग के लिए अंदर आइए। फादर आप जा सकते हैं। सखी लुटेरा, मुबारक हो डीआईजी साहब, आप अपनी मिशन में कामयाब रहे। उस लुटेरे की तो हिम्मत ही नहीं हुई आपके सामने आने की। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। मैं बिला वजह किसी की जान नहीं लेता,
अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मिटा दिया जाएगा। कालिंग ऑल कार्ड सखी लुटेरा हीरे चलाकर समुद्र में कूद गया, किनारे पर पूरी निगरानी रखो, ओवर। यस सर, यस सर, यस सर। ये अपनी गाड़ी है ना? हाँ जी। मैं हीरे लेकर चलता हूँ, बैग खराब करता हूँ। ओके सर। हुजूर पुलिस, नीचे बैठ जाओ। बोर्ड नो। गाड़ी कहाँ गायब हो गई? उस गाड़ी को न जमीन निकल गई न आसमान, वो गाड़ी जरूर इस बंगले के अंदर गई है। ओ। और ये बंगला है राजा साहब का, मुझे यकीन है कि राजा साहब ही सखी लुटेरा है। उसकी टांग में मेरी गोली लग चुकी है, आज उसकी असलियत जाहिर होकर रहेगी। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। किधर से? हाँ पुलिस जी। लो बोलो, खान साहब खैरियत तो है, पिस्तौल ताने यहाँ कैसे? अभी पता चल जाएगा। राजा साहब कहाँ हैं? राजा साहब पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, आइए दर्शन दीजिए, चलिए। पांडू जी। हाँ। बड़े धार्मिक ख्याल के नेक शरीफ इंसान हैं राजा साहब। जी हाँ जी हाँ। हमें उनसे फौरन मिलना है, बाहर बुलाओ। जी उनके पूजा के कमरे में जाने का किसी को हुक्म नहीं है। ओ, हुक्म नहीं है? ठीक है, उनसे कहो पूजा खत्म करके हमसे मिले। बेहतर। क्या हुआ? जल्दी बुलाइए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ जी, वो पूजा के बाद वर्जिश कर रहे हैं। ओह,
वो वर्जिश भी करते हैं। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। देखो वरना और भी खुशबू कर देगा। वो तो अंदर भी नहीं है। आधा वर्षा खा साहब। साहब साहब, ये राजा साहब सखी लुटेरा नहीं हो सकता। हा? जिसकी टांग में गोली लगी है उसका इस तरह भागना नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्या बात है, ये हाथ में पिस्तौल, चेहरे पे परेशानी, खैरियत तो है? मैं सखी लुटेरे का पीछा कर रहा था। सखी लुटेरा, कहाँ देखा आपने उसको? सामने के मोड़ से अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? अजी आदमी है, कुछ जिन भूत तो नहीं जो गायब हो गया? हाँ सुना है ससुरा गेटअप में रहता है, आप पहचान भी कैसे सकेंगे? वो मेरी गोली से जख्मी हो चुका है। जख्मी हो चुका है, फिर कैसे बचेगा? जरूर किसी हॉस्पिटल में होगा, जल्दी जाइए, पहरा लगवा दीजिए, नहीं तो भाग जाएगा। आपने ठीक राय दी है। अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सरकार सरकार, लंदन से छोटे सरकार का टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? मालिक अच्छी खबर सुनाए। मुंशी जी, अच्छी खबर यह है कि नवाब साहब ने 20,000 रुपए और मंगवाए हैं। अभी 3 महीने नहीं गुजरे, मैंने दुबई से 50,000 रुपए भेजे। एक तरफ तो सरकार गले की फांसी का फंदा बनकर लटक रही है और दूसरी तरफ 3 महीने में 2 जहाज पकड़े जा चुके। 10 साल क्या पढ़ाई के लिए कम होते हैं मुंशी जी? उसे हुक्म कर दीजिए कि वो फौरन हिंदुस्तान चलाए। मामा जी, मेरी सहेली कामनी ने मुझे होटल में इनवाइट किया, आप कहें तो मैं जाऊं? जाओ बेटी, मगर जल्दी लौट जाना। ओके। बैठ जाओ भाई, इन बदमाशों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, ये यहाँ का दादा। हाय सेनोरिटा, क्या आप हमारे साथ डांस करेंगे? कमर मेरी पीठ। ओए साले, जानता है किस शेर से उलझ रहा है? शेर? मुझे तो यहाँ सब गीदड़ नजर आ रहे हैं। इन सब पता लो कि किसका हाथ चलता है। इसे अपनी गुस्ताई की सजा ठीक मिल रही है ना? आप बहुत बहादुर हैं। अभी आए क्यों? पढ़ती हो? देखो कल
ये पुलिस के झंडे में पड़ना अपने ऐसे शरीफों का काम नहीं। फिर मिलेंगे। हाँ कमाल का लड़का है। कौन हो तुम? क्यों नहीं पहचाना? सखी लुटेरे की आशिक। यहाँ क्या कर रही है? हमसे उस्तादी। आखिर हमने पता लगा लिया ना, तुम ही तो हो वो सखी लुटेरे। मैं कोई लुटेरा वटेरा नहीं हूँ। उठा यहाँ से। अगर तुम वो नहीं हो तो तुम्हें देखकर मेरा दिल धक धक क्यों करता है? लगता है तुम्हारे दिल में गड़बड़ है, इसका इलाज करवाओ। हाय मैं मर जाऊं। इलाज कराने के लिए तो आई हूँ। तुम ही तो हो मेरे डॉक्टर। क्या समझे नहीं समझे? हाय मैं मर जाऊं। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई है। तो फिर मैं क्या करूं? खामोशी से मेरे दिल की आवाज सुनो। उसकी हर धड़कन यही कह रही है प्यार प्यार प्यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये प्यार व्यार की बातें बाद में होगी, पहले ये बताओ तुम यहाँ आई कैसे? कंपाउंड की दीवार फांद के बगीचे में, बंगले की दीवार फांद के बेडरूम में, अब तुम्हारी जिद की दीवार फांद कर तुम्हारे दिल में बस जाऊंगी। मेरे दिल में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं। देखो ये चार दिन की जिंदगी हम किसी से उधार मांग कर लाए हैं, ये चार दिन मोहब्बत से गुजारो, मजा आ जाएगा। देखो मुझे बहुत से काम करने हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। डांटते क्यों? जाती हूँ जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे बेडरूम से, तुम्हारे दिल से नहीं। क्या समझे नहीं समझे? क्या समझे नहीं समझे? हाय आप यहाँ? कल आप शुक्रिया अदा करना भूल गई, इसलिए आज आ गया ताकि दुनिया के रस्म रिवाज पूरे हो जाए। वाकई मेरी गलती है, इज्जत बचाने वाले का तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। तो आइए बैठिए ना। कहाँ चलना है? किसी होटल में चलते हैं, चाय के साथ शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। घर देर से गई तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है तो आपके घर चल के चाय पी लेते हैं। मेरे घर? नहीं नहीं, मामा जी बहुत गुस्से वाले आदमी है। तो फिर मेरे हवेली में चलिए ना, मेरे पिताजी तो बहुत ही हसमुख आदमी है। वहाँ नहीं। देखिए चलना तो है, अब रहा कहाँ चलना वो आप ही फैसला कीजिए। आपके घर, मेरी हवेली या फिर होटल? जिद करते हैं तो फिर होटल चलते हैं। तो आइए बैठिए मेरी बैलगाड़ी में। इतनी खूबसूरत कार को आप बैलगाड़ी कहते हैं? ये भी कोई कार है? ऐसी तो दर्जनों है मेरे पास। हाँ। और जो मेरे पिताजी ने अमेरिका से मंगाई है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है, पूरे 2.5 लाख की है। 2.5 लाख? और जो मेरा हवाई जहाज आने वाला है उसको देख के तुम ना जाने क्या कहोगी। और जब वो आ जाएगा तो मैं हर शनिचर एतवार कश्मीर में गुजारूंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? आप ले चलेंगे तो चलूंगी, लेकिन फिलहाल तो होटल चलिए, मुझे देर हो रही है। बॉय कौन सी चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हो? रुकबॉन सर। रुकबॉन, हमारे टी गार्डन की पत्ती यहाँ पर क्यों नहीं आती? जी आ भी कैसे सकती है, इतनी कीमती चाय हर आदमी की किस्मत में कहाँ। ठीक है जाओ आज ये चालू चाय पी लेते हैं। तुम जब मेरी कोठी पर आओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा चाय किसे कहते हैं। आपके चाय के बाग हैं? है, लेकिन कितने हैं ये आप किस कम्बक को याद है? इतने बड़े खानदान से होके आपने मेरे लिए लड़ाई की। अरे ये भी कोई लड़ाई थी? लड़ाई तो वो थी जो मैं अफ्रीका के जंगलों में लड़ा करता था। आप अफ्रीका भी गए हैं? जाना पड़ता है, हमारे हीरे की खान जो वहाँ है। हीरे के? अब क्या क्या कहाँ कहाँ है वो मुझे क्या पिताजी को भी नहीं याद रहेगा। पिताजी तो आज यहाँ, कल अमेरिका, परसों अफ्रीका, तीसरे दिन जापान, तो पांचवें दिन फ्रांस। पूरा चार्टर प्लेन उनके साथ रहता है। इस वक्त वो बेचारे प्लेन में बैठे जापान जा रहे होंगे। मियां कहती है कि पीना छोड़ दे, लेकिन ये तो नहीं कहती नालिम के जीना छोड़ दे। अफ्रीका के घने जंगलों में हाथी, गेंडे, शेर और चीलर, जुए और खटमल पाए जाते हैं। साले यहाँ जान पे बनी है। और तुमको दिल लगी सूझिए, मालूम कमला के खुसर बाप ने साथ अगर इस साल तुम पास नहीं हुए तो कमला का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया जाएगा। अरे बेटा ये बात सिर्फ तेरे लिए नहीं, हम सब के लिए लागू है। अबे साल भर की पढ़ाई 2 दिन में तो हो नहीं सकती, तो पास होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। फिर क्या किया जाए, बोलो यार, कोई तरकीब सोची जाए। हाँ सोचो सोचो, सब लोग सोचो। सोच लिया,
अबे हैदराबादी इधर आ। अबे मुंह क्या देखता है? देख प्यारे, तू पढ़ने में बहुत तेज है। हाँ। और तू फर्स्ट क्लास में पास होगा। हाँ। लेकिन हम लोग पास नहीं हो सकते। हाँ। पर तू चाहे तो हम लोगों को नकल करा के पास करा सकता है। अब बोल। हाँ। हाँ। ये क्या, इसका तो बासी करवाएगा। हाँ। अब तू जा, हाँ, दिल लगा के पढ़। हम लोग आराम करते हैं। हाँ। करो भाई, आराम करो, आराम करो। सो जाओ। बराबर पढ़ाई करना, नहीं तो लात देऊंगा। हाँ। गुड नाइट। हाँ। बनी देना। हाँ। सर जरा इधर आइए ना, थोड़ा घूम जाइए ना, घूम जाइए। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, खटमल था, किंग साइज लंबा वाला खटमल था, कुछ नहीं था। ओह थैंक यू, यू वेलकम। नकल करते हुए शर्म नहीं आती? ए मास्टर जी, अपन से शर्म वरम की बात नहीं करने का। तमीज नहीं। ये चांटा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे धमकी देता है। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यहां से। चाहे तो पांचों को मार सकता है, लेकिन अगर अपनी मां का दूध पिया है तो अपने बच्चों पे हाथ मत उठा। बैठेगा नहीं, आज तो तू गिरेगा। आ मेरे साथ। हवलदार, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश नहीं, ये मेरे शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं। बच्चे हैं? लेकिन इन लोगों ने आपको मारा है। नहीं नहीं, मारने वाले तो भाग गए, इन्होंने तो मुझे बचाया है। देखा नहीं मैं गिर गया था, ये मुझे उठा रहे थे। ठीक है, आइए मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूँ। हवलदार चलो हमारे साथ। मेरी मानो मोहन बाबू, स्कूल बंद कर दो। अरे इन आवारा लड़कों को सुधारना इंसान के बस की बात नहीं। वर्मा जी, वो हमारे बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, हमें इस तरह हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और फिर गलती मेरी थी, उन्हें मार से नहीं प्यार से सुधारा जा सकता है। जो प्रेम और दया में शक्ति है वो क्रोध में नहीं। तुम जो कहते हो वो सुनने में जरूर अच्छा लगता है, पर तुम्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है। अच्छा मैं चलता हूं, भगवान तुम्हें कामयाबी दे।
वो देखिए, आपके देश के भविष्य डंडा लिए खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए मास्टर जी, हम तो इस काबिल भी नहीं कि आपसे माफी मांगे। आपकी छड़ी लेके हमें उस वक्त तक मारिए जब तक हमारे शरीर से उतना खून ना निकल जाए जो हमारे पाप को धो सके। लाओ छड़ी दो। आज से हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे मास्टर जी। ठीक नहीं हुआ, बोलो ना। नहीं बोलती। आखिर ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है? तुम आदमी हो? आशिक हूं। झूठे, उस दिन के गए आज शक्ल दिखाई है, न टेलीफोन नंबर दिया न बंगले का पता और कॉलेज भी नहीं आए। बस इतनी सी बात पर सरकार नाराज है? अरे मैं था ही नहीं, वो डैडी ने ट्रंक कॉल करके स्विट्जरलैंड बुला लिया था, मेरे अकाउंट से कुछ पैसे निकालने थे। स्विट्जरलैंड में पैसे रखने की क्या जरूरत? अपना वहां भी ऑफिस है ना, अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है? दो दिन और नहीं आते तो गलती का पता चलता। क्यों, दो दिन में ऐसी कौन सी खास बात होने वाली है? परसों मेरा जन्मदिन है। सच? आओगे ना? मैं अपनी बबली की सालगिरह पे नहीं आऊंगा। बबली क्या होती है? बबली यानी प्यारी, जान से भी प्यारी हो ना। अच्छा बताओ इस हिसाब से मैं तुम्हारा क्या लगा, बोलो। बबलू। बबलू पूछे बबली से, एक बबलू पूछे बबली से, क्या पूछे बदला बदली से, सच सच एक बात बताना, देखो मुझसे कुछ न छुपाना, कहो कब तक है प्यार निभाना। बबलू पूछे बबली से, क्या पूछे पगला पगली से, तुमसे कुछ कहना चाहूं, पर कहने से घबराऊं, होता जो गरीब तो क्या हम तुम मिलते, होता जो गरीब तो क्या हम तुम मिलते, तेरे मेरे प्यार के ये फूल क्या खिलते। बबलू पूछे बबली से, क्या पूछे पगला पगली से, क्या
क्या है? क्यों जी? मालूम नहीं, कभी कभी दिल डरता है, फिर भी तुझ पे मरता है, जिंदगी की राह में छोड़ तो ना दोगे, जिंदगी की राह में छोड़ तो ना दोगे, खेल के खिलौना कहीं तोड़ तो ना दोगे। तूने मुझे नहीं पहचाना, मेरा इश्क बड़ा मर्दाना, तेरे साथ रहेगा ये दीवाना। एक बबलू पूछे बबली से, क्या पूछे पगला पगली से, सच सच एक बात बताना, देखो मुझसे कुछ न छुपाना, कहो कब तक है प्यार निभाना। एक दो तीन साल दस बीस तीस साल, बोलो बोलो कितने साल, हजारों हजारों साल, हजारों हजारों साल, हजारों साल। अरे साला, क्या छोकरी का माँ बाप मुंह लटका के बैठ रहा है? आज तो तेरे दिल जिगर के छल्ले की सालगिरह है, आज तो तेरे को नाचना मांगता है दिन 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 दिन। अरे नाचेगा कैसे, साला कुछ देने को प्रेजेंट तो मांगता है। अरे देने के लिए अपने पास माल है यार, माल ये देख, मेरे पास 3 रुपए है। अरे 4 रुपए तो साला अपना भी पॉकेट में ला ला, मेरे पास भी 12 है। क्या बकवास करते हो यार, इससे क्या होगा? क्यों यार, टी गार्डन किसके हैं? आपके जनाब। हीरे की खान किसकी है? आपके बाप की। तो मैं उसको 8.5 रुपए का तोहफा दूंगा क्या? अब तो एक ही रास्ता है, चलकर किसी सेठ की गर्दन दबा दी जाए। मजाक छोड़ो यार, ये सब काम ने छोड़ दिए। लानत है हम लोग की जिंदगी पे यार, हमारे होते हुए हमारा दोस्त दुखी रहे। अरे कोई दुखी नहीं होगा, हो जाएगा पैसे का इंतजाम। कैसे? अरे अजीत भैया से कर्जा ले लेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं कर्जा नहीं लूंगा। कर्जा लेने में क्या बुराई है? जब एक सरकार दूसरी सरकार से कर्जा ले सकती है तो हम नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। अरे चलो भाई, चल चल चलो, चल 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 चलो भाई चलो। कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? हमें राजा साहब से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिल सकते। मुरली काका आने दो इनको। सलाम अलैकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। कहो ये मंडली यहाँ कैसे भाई आ गया? मैं बताता हूँ, अपना यार तो शर्मा रहा है, इसकी छोकरी का बर्थडे है और अपन लोग तो एकदम कड़का है। 1000 रुपया कर्जा दे दोगे तो साला इसका इज्जत बच जाएगा, अपन लोग कमा कमा के सब अदा कर देंगे। भाई अगर भाई को कुछ दे उसे कर्जा नहीं कहते। तुम सब लोग मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो तो तुम्हारा हक बनता है जब जो जी चाहे आकर ले जाया करो। मुरली काका इनको 1000 रुपया दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, चलो ले जाओ। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। तुम सलामत रहो 1000 बरस। शुक्रिया। हाय हाय। सालगिरह मुबारक। थैंक यू। ये आशिकों की बड़ी लाइन लगा रखी है। जल गए? परवानों का तो काम ही जलना है और हमें तो जमाना हुआ जले हुए। शायरी बंद करो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। आओ मामा जी से मिलाते हूँ। मामा जी इनसे मिलिए, ये है शंकर। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटी केक काटने में क्या दे रहे हैं? जाओ। ओके तुम भी जाओ बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रचना, हैप्पी बर्थडे टू यू। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है मगर कितना सीधा है। कौन करोड़पति का बेटा सरकार? अजी ये तो फुटपाथ छाप है, फुटपाथ छाप। क्या बकते हो? अजी ये तो गुंडा पार्टी का मेंबर है ससुरा, झोपड़पट्टी में रहता है, कपड़े भी किराए के पहने होंगे। तुम इसे कैसे जानते हो? अजी मैं इसके सारे खानदान को जानता हूँ, मेरा पड़ोसी है उल्लू का पट्टा। क्या बदमाश रचना, ये पखंडी है, 420 है। एक करोड़पति का बेटा नहीं, गंदी नाली में रहने वाला कीड़ा है। ये झूठ है, मैं शंकर को जानती हूँ। शंकर बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? अच्छा ये सच है?
मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैंने अपने बारे में जो कुछ कहा झूठ था। झूठ? ओह माय गॉड। रचना, रचना मेरा प्यार तो सच्चा है रचना। बस बंद कर। रचना मेरी बात तो सुनो रचना। उठा कर फेंक दे और क्या मुंह देखते हो? यार शंकर आज भी नहीं आया? नहीं, किसी से बातें नहीं करता है, बस तस्वीर की तरह गुमसुम बैठे रहता है। उसकी माँ परेशान थी, दो दिन से खाना नहीं खाया, मंदिर की चौकट से हिलता नहीं है वो। रचना तुम्हें पाने के लिए अगर दौलत जरूरी है तो मैं दौलत कमाकर तुम्हें सोने चांदी में तोल दूंगा रचना, लेकिन मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं अपना सकता। रचना तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। रचना, रचना मैं तुम्हें पा कर रहूंगा। रचना तुम्हें और कोई नहीं छीन सकता। रचना तुम मेरी हो। रचना, रचना तुम मेरी हो। शंकर और उसके साथी फिर काम मांगने आए हैं। लेकिन तुम इन लड़कों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हो? वैसे तो तकरीबन आपके सारे आदमी पुलिस की निगाहों में आ चुके हैं। अगर ये लड़के आपके साथ में आ जाएंगे तो फिर कोई इन पर शक नहीं करेगा। तुम ठीक कह रहे हो। मोहन बाबू, तुम्हारे पांचों लड़कों का पता चल गया है। वो लोग राजा साहब यानी सखी लुटेरे के गिरोह में शामिल हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, अब उनका सुधरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। पांच पांडव, अरे भाई तुमसे कोई मिलने आया है। आपने किशन तो ऊपर है मुरली काका, और तो इस दुनिया में अपना कोई है नहीं जो। मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन हम सब आपके लिए मर चुके हैं। तुम अभी मरे नहीं, तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हो, और मैं अपने जीते जी ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तुम सबको सच्चाई और नेकी की तरफ वापस चलना पड़ेगा। सच्चाई, नेकी, शराफत, ये सब बकवास है जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं। शराफत है दौलत और नेकी है पैसा। जिसके पास ये होता है दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। इतना घमंड मत करो बेटा, फला हुआ पेट और शरीफ की गर्दन हमेशा झुकी रहती है। ये गर्दन कट सकती है मास्टर जी, झुक नहीं सकती। वंडरफुल शंकर, वेल सेड। इन सबको तबाह करने वाले और गलत रास्ते पर लाने वाले तुम हो। क्यों इन मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा महाशय। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और कहां से तशरीफ लाए हैं? मैं इनका मास्टर हूँ। मुझे गलत मत समझिए मास्टर साहब, मैंने इस काबिल बना रहा हूँ कि ये अपने हक की हिफाजत कर सके। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं। तुम इनका सच्चाई और शराफत से विश्वास हटा रहे हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी माँ की निशानी है। क्यों? जब से हो संभाला ये मेरे गले में, शायद माँ ने पहना होगा। तू मोहन है ना? हाँ, मेरा नाम मोहन है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? ब्लडी एंटी फ्लैट। मैं अजीत हूँ, तेरे बचपन का यार। अजीत मुरली काका, आज जी भर के खुशियां मनाओ, गरीबों में मिठाई बांट दो। आज बरसों के बाद मेरा बिछड़ा हुआ यार मिला है। इसमें हंसने की क्या बात है? दुनिया में इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? मजाक? ये मजाक नहीं तो और क्या है मोहन? आज जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर चलाने वाले तुम हो, और आज तुम ही मुझे नसीहत दे रहे हो। उस वक्त मैं गलत रास्ते पर था। नहीं मोहन, तुम आज गलत रास्ते पर हो। अजीत मेरे भाई, बचपन की बातों को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं उस बचपन को जिसने मेरे सीने में नासूर कर दिया है? कौन है वो गैरतमंद भाई जिसके सामने उसकी बहन की इज्जत लुट जाए और वो कुछ नहीं कर सके, जिसके सामने उसके बाप का खून हो जाए और वो सबर किए बैठा रहे? दरिया में डूबते हुए भाई की चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मोहन, मेरे सीने में एक ज्वालामुखी फूट रहा है। जब तक इस आग को ठंडा नहीं कर लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चंद बदमाशों का बदला तुम पूरे समाज से लेना चाहते हो?
मुझे कब किसी ने अमृत दिया है जो जहर देने का ताना दे रहे हो तुम? मुझे जो कुछ दुनिया से मिला है वही मैं लौटा रहा हूं। ये पागलपन की बातें हैं, होश में आओ, सच्चाई को समझने की कोशिश करो। मुजरिमों को सजा देने के लिए सरकार ने पुलिस और अदालत बनाई है, उनका दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। साहब, हाँ लाओ रख दो। मास्टर साहब, लेक्चर काफी हो गया, आओ कुछ खा लो। लो मिठाई खाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा तो चाय पियो। नहीं। क्या बात क्या है? मैंने कसम खाई है। कैसी कसम? मेहनत और ईमानदारी की रोजी के अलावा मेरे लिए हर चीज हराम है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। अच्छा मैं चलता हूं। फिर कब आओगे? कभी नहीं। इतनी नफरत है मुझसे? नहीं, प्यार है। और जिस चीज से प्यार हो उसे बर्बाद होते कोई नहीं देख सकता। नाम बदल गया है, मिला भी तो नदी के दो किनारों की तरह। शंकर, पता लगा रचना नीलाम में हार खरीदने गई है। बोलिए साहिबान। 15,500। 15,500। 16,000। 16,000। 17,000। 17,000। 17,500। 17,500 कदरदानों। 20,000 बोलिए कदरदान। 20,000। 20,000 बोलिए। 20,001। 20,002। 20,000 और एक। इक्कीस हजार। वाह कदरदान, 21,000। 21,000 एक। 21,000 दो। 21,000 और एक रुपया। 25,000। 25,000 और एक रुपया। 25,000 और एक। लीजिए साहब हार 25,000 और एक में जा रहा है। 25,000 और एक एक। 25,000 और एक दो। 25,000 और एक तीन। लीजिए साहब हार आपका हो गया। शंकर साहब ने आपके लिए पैकेट और लेटर दिया है। उस गले के लिए जिसे मैं गले से लगाने के लिए तड़प रहा हूं, एक बेवफा के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। चलो, क्या समझता है वो अपने आप को? हीरे और जवाहरात की चमक दिखाकर मुझे खरीद लेगा? किसकी बात कर रही हो तुम? शंकर की। उसे यह हार वापस दे दीजिए और कहिए रचना शराफत की पुजारिन है, दौलत की नहीं। ये सच नहीं है। तुमने और तुम्हारे मामा ने उसे इसलिए ठुकरा दिया कि वो गरीब है। गरीब है तो गरीब रहता, उसे असलियत छुपाने की क्या जरूरत थी? वो अपनी असलियत बताकर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हारे घर से निकाले जाने के बाद वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। न किसी से बात करता, न खाना खाता, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा पागलों की तरह भगवान की तरफ देखता रहता। ऐसा लगता था जैसे उसका सब कुछ खो गया हो। मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया? शंकर के पास मुझे ले चलिए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। कहाँ ले चलूं बेटी, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। सच्चाई और ईमानदारी से उसका विश्वास उठ चुका है। अब अगर उसे किसी चीज की तलब है तो वो है दौलत, जिसे हासिल करके वो तुझे पाना चाहता है। मुझे दौलत की नहीं, सिर्फ उसके प्यार की जरूरत है। मिले तो कहिएगा, इज्जत और ईमानदारी की कमाई से वो दो पैसों के फूलों का हार भी लाके मुझे देगा तो मैं उसे खुशी से कबूल कर लूंगी। फिर सखी लुटेरे का चैलेंज, जहां भी हमारी नजर पड़ती है वो कम वक्त हमसे पहले ही हाथ साफ कर देता है। सरकार, एक खबर मिली है कि उसका छोटा भाई जो बचपन में बिछुड़ गया था उसके बाजू पर भी वैसे ही शंकर के निशान गुदे हैं जैसे अजीत के बाजू पर। अगर इस राज से कुछ फायदा उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। क्यों ना कोई अपना ही आदमी उसका भाई बनकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाए, मगर वहां जाएगा कौन? डैडी,
मैं वहां जाऊंगा। नहीं बेटे, वहां खतरा है। तुम उसे जानते नहीं, फिर तुम इंग्लैंड से नए नए आयो। आप फिक्र नहीं कीजिए, आखिर मैं बेटा किसका हूँ? ऐसा उल्लू बनाऊंगा कि साला जिंदगी भर याद रखेगा। सरकार, इनसे अच्छा कोई नहीं रहेगा, कोई जानता पहचानता भी नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। ठीक है, तुम्हें वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। लीजिए सरकार, वो आ गई गाड़ी, मैं चला। देखो साहब, क्या खराबी है? तुम क्या मैकेनिक हो? हाँ साहब। तो देखो, साहब जरा सेल्फ मारना। निशान को देखता ही नहीं है, आंखें हैं कि बटन। लगता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी भाई, तुम इसे देखो, मैं कोई टैक्सी ले लेता हूं। मार गए, अब क्या होगा? टैक्सी सर, गाड़ी ठीक हो गई। ठीक हो गई? वेरी गुड। हाँ साहब। सलाम साहब। साहब, हेलो साहब। साहब मैं बनोट अपना ये पाना भूल गया था। ये निशान कहाँ खुदवाया था? जी मुझे कुछ याद नहीं, शायद बचपन में माँ बाप ने गुदवाए होंगे। कहाँ तुम्हारे माँ बाप, कौन है वो? असली माँ बाप कौन है कहाँ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बापू हमेशा कहा करते थे कि मैं उन्हें नदी किनारे मिला था। और क्या बताया था उन्होंने? Tell me। मैं तो बापू को अपना सगा बाप ही समझता था, लेकिन जब अंतिम घड़ी आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, आज से 18 साल पहले दिवाली की रात को मैं उन्हें नदी किनारे पड़ा हुआ मिला था। बापू चले गए, लेकिन मुन्ना, मेरा भाई, तुम, मुन्ना। इस नौलखे हार के चारों तरफ इलेक्ट्रिक पाइपिंग कर दी गई है, अगर इसे कोई हाथ लगाएगा तो उसे शॉक लगेगा, और लाइट बंद करने के बाद ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और बाहर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। बाथरूम भी यही अंदर है। लाइट बंद करो। यस सर। लाइट ऑफ। और इस मशीन को देखो, अगर कोई आदमी अपने जेब में हार रखेगा तो उसे इस मशीन के पीछे खड़े रहने से वो हार इस शीशे में नजर आएगा। इंस्पेक्टर रेगे। यस सर। इसे जेब में रखो और यहां खड़े हो जाओ। अब देखो, लाइट फ्लिकर करेगी, हार नजर आएगा। सर, आपके दिमाग की दाद देता हूँ, आज तो आपने कमाल का बंदोबस्त किया है। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बार पुलिस ने बहुत ही तगड़ा बंदोबस्त किया है। नौलखा हार को उड़ा के लाना नामुमकिन है। नामुमकिन नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है मुन्ना, हम जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। आज ठीक 9 बजे नौलखा हार गायब होगा। कैसे? वो हम बताते हैं। इंस्पेक्टर, सखी लुटेरा तो क्या, उसके फरिश्ते भी इस हार को गायब नहीं कर सकते। इसमें क्या शक है, जहां इतना सख्त बंदोबस्त किया गया हो वहां किस लुटेरे की हिम्मत है कि आ सके। राजा साहब, आपने आज यहां आने की कैसी तकलीफ की? आजी साहब, आप तो जानते हैं ये जगमगाते पत्थर मेरी कमजोरी है, यही हुस्न देखने के लिए चला आया। हाँ हाँ, देखिए, बड़े शौक से देखिए, आप जैसे कदरदानों के लिए तो ये एग्जीबिशन है। थैंक यू सर।
इस पे कड़ी नजर रखना। ये सब चलो। सर, 9 लाख हार गायब हो गया। सब अपनी जगह पे खड़े रहो, बाहर कोई नहीं जाएगा। क्या बात है, लाइट कैसे चलेगी? 9 लाख हार चोरी हो गया। चोरी हो गया? माय गॉड, ये किस बदमाश की हरकत है? अभी उसका पता चल जाएगा। आज उसकी शराबत का भांडा फूट कर ही रहेगा। एक एक को मशीन के सामने ले आओ। एक्सक्यूज मी आजी साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरी तलाश पहले ले लीजिए। माफ करना राजा साहब, इस पोजीशन में तो मैं अपने बाप के ऊपर भी शक ला सकता हूँ। यू आर राइट सर। आप आइए आइए। आप जा सकते हैं। नमस्ते। नेक्स्ट। कहां था ये कमबख्त? हार तो है ना इसके पास? हार वार कुछ नहीं है भैया, शराब में धुत सड़क पे पड़ा हुआ था। हार कहां है? तुम्हारी जबान को ताला क्यों लग गया? बताओ हार कहां है? हार मुझे मिला तो पीछे से मुझे किसी ने आके मारा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये झूठ बोल रहा है, जरूर उसने कहीं ले जाकर बेचा है। इसका सबूत ये है, ये 10,000 इसकी जेब से मिले हैं। मेरे साथ गद्दारी? नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। झूठा झूठ बोलता है, ये ऐसे सच नहीं बोलेगा। गद्दारी की सजा मौत है। राजा साहब, मैं बेकसूर हूं। मुरली काका, मेरा पिस्तौल लाओ। अजीत, ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे सामने से, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे मारने से पहले तुम्हें सीने में सुराख करना पड़ेगा। हट जाओ महान, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। शंकर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर अजीत को मोहन से ज्यादा दौलत से प्यार है तो चलाओ गोली, मेरे खून के एक एक बूंद से अपना हिसाब चुका लो। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा इसको मेरे सामने कभी मत लाना। ले जाओ। इस किस्मत के भी है कैसे कैसे रंग निराले, हो कैसे रंग निराले। एक दूजे से उलझ रहे हैं एक ही मां के पाले, हो एक ही
मुरली काका, मुरली काका, इस घर में पटाखे कौन लाया? क्या हुआ भैया? मैं लाया हूँ। कल दिवाली है ना, सोचा पहली बार दोनों भाई दिवाली मनाएंगे। नहीं मुन्ना, हमारे नसीब में ये खुशी नहीं है। इसी रात तुम मुझसे बिछड़ गए थे, इसी रात हमारे पिताजी के सीने में खंजर खोपा गया था और हमारी बहन की इज्जत लूटी गई थी। कौन है वो कमबख्त भैया जिन्होंने हमारी दुनिया उजाड़ी है? मुझे बताइए, मैं उनका खून पी जाऊंगा। नंदन और धर्मदास को तो मैंने नरक पहुंचा दिया है। धर्मदास, जिसकी को 6 महीने पहले जंगल में नुचुई लाश पाई? हाँ, बस एक बदमाश बाकी है, उसे खत्म कर लूं फिर दिवाली मनाएंगे। कौन है वो? नाम और पता तो मुझे नहीं मालूम ना, लेकिन इतना याद है कि उसके सामने के दांत सोने के थे। सोने के दांत? हाँ, 3 सोने के दांत। बस मुझे उसी की तलाश है। डैडी, हाँ। अब उसे आपकी तलाश है। अच्छा हुआ बेटे, उस नाग का पता चल गया। इससे पहले कि मुझे डसे, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुनो, तुम उसे टेलीफोन करो और कहो कि तुम दुश्मनों में फंस गए हो, समझे? हाँ। हेलो। हेलो भैया, भैया मुझे दुश्मनों ने 36 यूरिन स्ट्रीट में बंद कर दिया है। कौन है वो लोग? मुन्ना घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ भैया। Hands up. बहुत पापड़ बेल लिए भैया, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं यहाँ पर तुम्हारी समाधि बनाऊंगा और तुम्हारी जायदाद का वारिस बन जाऊंगा, ठीक है ना? खामोश क्यों हो? खामोश अपनी भूल पर हूं जो तुझे पहचान नहीं सका। तू कोई भी है, मेरा मुन्ना नहीं है, क्योंकि मेरा खून इतना सलील और गंदा नहीं हो सकता। पहचाना जरूर, लेकिन जरा देर से। मैं तेरा भाई नहीं, तेरी मौत हूं। कोई भी अपनी जगह से हिला तो इसका भेजा उड़ा कर रख दूंगा। तू मेरा मुन्ना ना सही, लेकिन मेरे लिए तू मुन्ना ही है। कौन है तू? किसने तुम्हें मेरा छोटा भाई बनाकर भेजा था? मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2। 3 गिनने से पहले ये खत्म हो जाएगा। वो नकली है, लेकिन ये तेरा असली भाई है। इस असली भाई को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब तुम लोगों की कोई चाल नहीं चल सकती। बोल, नहीं तो चलाता हूं गोली। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। डैडी? तो तुम दोनों बाप बेटे हो? हम बाप बेटे हैं तो तुम भी सगे भाई हो। ये देखो, यही निशान मैं इसके बाजू पर भी देख चुका हूं, लेकिन इन दोनों में कोई मेरा भाई नहीं है। तुम उसे गोली मार दो, मैं इसे खत्म कर देता हूं। धर्म, तो तुम्हें सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूं। लाओ दोनों को। बाबूजी, हमारे सिंदूर को मत मारिए, चाहे हम दोनों की जान ले लीजिए। तो ये कौन सा तुम्हारा सगा बेटा है? मर जाने दो इसे। सगा नहीं, पर मैंने इसे अपनी छाती से लगाकर पाला है। 1 साल का था जब गंगा मैया ने इसे मुझे दिया था। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मत मारो। अगर तुम लोगों को खून से ही प्यास बुझानी है तो मेरा खून पी लो। कब मिला था तुम लोगों को ये? दिवाली की रात थी और ये कपड़े पहने हुए था। मेरा मुन्ना, मेरा भाई। अगर हिले तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। जिसकी तुम्हें तलाश थी वो मैं हूं, ये देख। मैंने ही तेरी बहन की इज्जत लूटी थी और आज मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। रहा तुम्हारा छोटा भाई, मैं उसे नहीं मारूंगा, तुम खुद उसे अपने हाथों से मारोगे।
आज तक छोटा भाई बड़े भाई की अर्थी उठाता आया है, लेकिन आज बड़ा भाई छोटे भाई का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेगा। इंतजाम करो।
बाप का माल है क्या? ये बाप का माल है, मांगता है? अरे चूजा मेरा मुन्ना मेरा चूजा तो मेरा बच्चा। अबे अंडा मेरा और बच्चा तेरा। पीछे हट जाओ, कोई आगे ना आए। लगाओ भाई लगाओ। अरे ये दो आदमी कहां जा रहे हैं? रुक जाओ आगे मत पड़ो, रुक जाओ आगे मत पड़ो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस खंजर की प्यास और मेरे दिल की आग दोनों बुझ गई। अपनी बहन के खून का टीका जो मैंने माथे पर लगाया था आज धुल गया। तेरे चरणों की सौगंध भगवान, आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा। आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। पुलिस और कानून का भी मकसद पूरा हो गया। तुमने जिन्हें मारा है वो बहुत बड़े गुनहगार और खूनी थे। सरकार तो पहले ही उनके जान के पीछे थी। इसका फैसला अदालत करेगी। भैया मुन्ना मेरा भाई, तुम मेरे पास होते हुए भी कितनी दूर था रे। हमेशा मास्टर जी के बताए हुए रास्ते पर चलना। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वही सही रास्ता है। तुम रचना हो ना? अरे क्या कर रही हो तुम? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। मुन्ने का ख्याल रखना। मोहन
मैं जा रहा हूं भाई, आज से ये सब तुम्हारे हवाले, सबका ख्याल रखना। अजीत मेरे यार, ऐसा न कहो, तुम जल्दी छूट जाओगे। हाय मैं मर जावा, जाने से पहले एक बार गले तो मिलते जा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कब तक? कयामत तक। ये तो मैं उस रात को दूंगी जो लड़की की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, क्या समझे? नहीं समझे?